जब ये पानी उतरेगा ना, तो ये उतरने का इंतज़ार तो कर रहे हैं, लेकिन इनके दिमागों में एक बात तो होगी कि ये उतर भी गए तो अब जमीन, उस पर मकान, काम काज, कारोबार, ये सब कहाँ से आएगा? ये अभी तो हाइप क्रिएट है ना, मीडिया में भी हाइप है, 8-10 दिन 15 दिन तो मीडिया भी इसको दिखाएगा, एनजीओ भी जाएंगी, लेकिन असल प्रॉब्लम इनका शुरू होगा जब सब लोग वापस आ जाएंगे। हमने इंशाल्लाह ये इरादा किया है कि हम इनके घर बनाएंगे। अब जैसे मेरे सुरु ने फरमाया, घर बनाने के साथ साथ इसको कुछ कारोबार करवाना होगा, वरना बेचारे खाएंगे कैसे, इनके जानवर बह गए, तो कुछ जानवर देने का भी इरादा है, कुछ सब्जी का ठेला लगाने के 4-5 छोटे छोटे कारोबार भी हमने सोच लिए हैं, उस पर हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो यकीनन अरबों रुपए की हाजत है, तो आशिकाने रसूल मदद फरमाए, आपकी दावत इस्लामी इंशाअल्लाह आपके अतियात का बेहतरीन इस्तेमाल करेगी। हकीकत तो यह कि इनकी आबादकारी, अभी खाना खिलाना तो हो जाएगा, ये सही इन्होंने फरमाया कि 15 दिन 10 दिन 12 दिन, जैसे कि इंतकाल हो जाता है किसी का तो शुरू में लोग मतलब बड़ी हमदर्दी करते हैं, तो यूं बेचारे शुरू में जरा कोई भी आएगा, फिर बाद में कौन पूछता है, तो इनको भी कोई बेचारों को कौन पूछेगा। अल्लाह ने चाहा तो रब की मदद से, मुस्तफ़ा की नज़र से, गौस पाक की इनायत से एक GRF पूछेगी इंशाअल्लाह। इनको मकान भी देने, इनको कारोबार भी देने, ये कोशिशें, ये मालदार लोग अगर अपना खजाना आगे बढ़ाएंगे तो होगा। सर हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह इनके लिए भी और इनके लिए भी, लेकिन ये दुआ के साथ साथ दवा भी बोलते ना, असबाब भी होने चाहिए, तो आप जरूर साथ दीजिएगा और इंशाअल्लाह ये सब मिलके करेंगे और इनके दुख बटाएंगे इंशाअल्लाह, गरीबों के, परेशान हालों के, दुखियारों के, इंशाअल्लाह।